प्यार किया तो प्राइवेट पार्ट काट डाला। ये घटना हुई यूपी के फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के रहने वाले प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस घटना में लड़की के परिजनों ने दोनों की हत्या कर दी थी। लड़के को मध्य प्रदेश में मारा गया जबकि लड़की को राजस्थान में मार दिया गया। आइए जानते हैं आखिर ये मामला क्या है। एक न्यूज़ वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार फिरोजाबाद के रहने वाले युवक और युवती एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार वालों को उनका ये रिश्ता नामंजूर था। इस बीच 31 जुलाई को प्रेमी जोड़ा फिरोजाबाद से भागकर दिल्ली आ जाता है, जिसके बाद से लड़की के परिजन उनकी तलाश में जुट जाते हैं। इस बीच युवती के परिजनों ने प्रेमी जोड़े को दिल्ली में खोज लिया। परिजन यहाँ से उसे MP के ग्वालियर ले गए, जहाँ झांसी हाईवे पर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। हत्या के बाद युवक का शव झाड़ियों में फेंककर आरोपी वहां से फरार हो गए। इसके अलावा लड़की के परिजनों ने युवती की भी हत्या कर दी और उसका शव वहां से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर में झाड़ियों में फेंक दिया। प्रेमी जोड़े की हत्या करने के बाद लड़की के परिजन वापस अपने घर लौट आए। न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार ग्वालियर पुलिस को एक युवक की लाश 5 अगस्त को बरामद हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में युवक के बारे में कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस बीच मृतक के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 अगस्त को फिरोजाबाद में दर्ज कराई थी। इसी दौरान राजस्थान के धौलपुर में भी एक युवती की लाश पुलिस ने बरामद की, जिसका गला घोटकर हत्या की गई थी। कई दिनों से खाली हाथ पुलिस को दोनों हत्याओं के बीच किसी कनेक्शन का अंदेशा हुआ। ये मामला कैसे खुला, परत दर परत कैसे कड़ियां जुड़ती चली गईं। मामले से पर्दा उस वक्त उठ गया जब फिरोजाबाद पुलिस ने ग्वालियर पुलिस से संपर्क किया। पता चला कि ग्वालियर पुलिस को जो लाश मिली थी वो फिरोजाबाद में रहने वाले एक लड़के की थी। यहीं से कड़ियां जुड़नी शुरू हुईं। लड़की के परिजनों के मोबाइल फ़ोन खंगाले गए तो पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने लड़की के परिजनों के फ़ोन नंबर खंगालने शुरू किए तो पता चला कि उनकी लोकेशन दिल्ली, ग्वालियर और धौलपुर में थी। इसी आधार पर पुलिस ने लड़की के पिता, चाचा और दो अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्याकांड से पर्दा उठ गया। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।